यहाँ पर एसटीटी मैरिट के जो स्टूडेंट हैं वह आगे बढ़ रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे मैं अभी जरा पूछ लूंगा। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहाँ पर देख रहे होंगे ये बढ़ रहे हैं। क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम अनिल है। क्या कुछ कहिएगा आप लोग? मैरिट आ रही है, सरकार संविधान को हाथ में ले रही है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। काहे नहीं बर्दाश्त करिएगा? नहीं बर्दाश्त करेंगे। क्या आप लोगों क्या चीटिंग हुआ आप लोगों साथ? सरकार विज्ञापन में चयन प्रक्रिया में परीक्षा परिणाम के बाद परिवर्तन कर रही है। क्या परिवर्तन जमा होने परिवर्तन क्या कर रही है? हाँ परिवर्तन, इसलिए हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार संविधान को हाथ में ले रही है और जब सरकार संविधान को हाथ में लेगी तो हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। जैसे कि आप लोग मैरिट धारी हैं, आप लोगों का कहना ये है मैरिट और नॉन मैरिट का क्या खेल है? आप मैरिट धारी हैं? हाँ हाँ मैरिट धारी हैं। तो दिक्कत कहाँ हो रही है? दिक्कत हो रही है कि शिक्षा मंत्री संविधान को हाथ में ले रहा है, शिक्षा मंत्री संविधान को हाथ में ले रहा है, हम उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम लोगों को जाया जाए। देख रहे होंगे यहाँ पर गेट बंद हो गई है और पुलिस प्रशासन तैनात हो गई है। क्या कुछ कहिएगा भाई साहब? हाँ भैया, क्या कुछ कहिएगा? आप लोग का क्या मांगे आज मैरिट ऑर्डर? जो सर, जो हमारे जो शिक्षा मंत्री संविधान को हाथ में ले लिए हैं तो उन्हीं का हम लोग विरोध कर रहे हैं। जो मेरिट और नॉट इन मेरिट रिजल्ट निकलने के बाद जो इक्वल कर दिया है, जबकि सर मतलब नोटिफिकेशन में ही लिखा गया था ये बात कि जो मेरिट में आएंगे उन्हीं की नियुक्ति हो जाएगी और जो मेरिट लिस्ट भी हम लोगों का बन चुका था सबका नंबर। गेट बंद होती हुई नजर आ रही है, गर्दनी बाग की लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा और यहाँ पर बातें और मांगे कर रहे हैं। देखते हैं कि क्या कुछ होता है और तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए झकास भारत पर। यहाँ पर देख रहे होंगे गेट बंद है और अभ्यर्थी क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्या चीज मांगे हैं? मेरिट को बहाल करो, मेरिट को नियुक्ति दिया जाए। और अभ्यर्थी दूसरे यहाँ पर देख रहे हैं कि होश में आओ 30,675 अभ्यर्थी का जल्द से जल्द बिहार से नियुक्ति दे। क्या सर, क्या बोलिएगा? एसटी की लड़ाई इसका मेरे नायब सभी अभ्यर्थियों की नौकरी पक्का के सुनिश्चित करें। देख रहे होंगे किस प्रकार से सारे जगहों का गेट इन लोगों का बंद किया जा रहा है और गेट बंद किया जा रहा है कि ये लोग निकल नहीं पाए। और यहाँ पर एसटीटी अभ्यर्थी, आप लोग क्या मेरिट धारी हैं? हाँ हम लोग मेरिट धारी हैं। मेरा कहना है कि सरकार 2019 में माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए एक विज्ञापन निकाली थी, उस विज्ञापन को पालन सरकार करने से अब मुकर रही है। हम लोग सरकारी विज्ञापन का पालन करवाने के लिए ही आंदोलन कर रहे हैं। हम लोगों की अपनी कोई निजी मांग नहीं है, हमारी कोई निजी स्वार्थ की मांग नहीं है। हम बिहार के गरीब गुरबा के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। अच्छा, मैरिट और नॉन मैरिट का ये चल रहा है, लड़ाई चल रहा है क्या? जी नहीं, लड़ाई सरकार खेल है, विज्ञापन के अनुसार जो मेरिट पे है वही घूस लेने के लिए इसको पास किया है, घूस लेने के लिए इसका शिक्षा मंत्री पास किया है। शिक्षा मंत्री 37,000 जिसमें 30,675 मेरिट में थे और वही लोग पात्र हैं और वही लोग बंद है। और यहाँ पर गेट को हिलाते हुए देख रहे होंगे जेल का ताला गेट गिर भी जा सकता है। पीछे पीछे यहाँ पर गेट खुल गया है और यहाँ पर पुलिस द्वारा कार्रवाई। और यहाँ पर
पुलिस द्वारा अभी कार्रवाई नहीं की गई है, पर आगे पुलिस बल तैनात है, कभी भी यहाँ पर कुछ भी हो सकती है। ए विभू दूर हटो, क्या हुआ, पुलिस क्या बोल रही है? पुलिस शायद उतनी संख्या में नहीं है कि इस भीड़ को संभाल सके, देख रहे होंगे हजारों की संख्या में एसटीटी मैरिट अभ्यर्थी यहां पर अभी पहुंचे हैं, और क्या कुछ कहते हैं तमाम बातों के लिए मैं लगातार बना हुआ हूं यहां पर गेट पर, जिस प्रकार से देख रहे हैं आप लोग। क्या बात है, क्या मांग है आपकी, देख रहे होंगे गेट पर। इधर 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 इधर, आप पर चलो, आप पर चलो, इतना लोग क्या कर रहे हैं, गेट को तोड़ना है। पुलिस पूरे और अभ्यर्थी पुलिस गेट बंद करके लौटाते हुए, और यहाँ पर वाटर कैनन की गाड़ियाँ लग चुकी है, और खबर यह है कि पानी की बौछार कभी भी हो सकती है, और यहाँ पर बिहार में इस देश में नहीं रहना चाहते हैं हम, गोला जी सल्फात गोली और साइमरदारी को भर दीजिए, मरना चाहो मरना चाहते हैं, अब जीने का हम लोग कोई इच्छा नहीं है, साल भर से यह सब ने टंकी बना के रखा है, पुलिस ने गुंडागर्दी, अब हमसे नहीं सहा जाएगा। चले तमाम अभ्यर्थी अभी अपनी बातें और मांगे बता रहे हैं, और बोलिए जा रहे हैं आत्मदाह करने के लिए सभी लोग एक साथ विधानसभा में, विधानसभा के सामने आत्मदाह करेंगे। गेट बंद कर दिया जा रहा है, गेट बंद कर दिया जा रहा है, तो क्या तोड़ के जाएंगे आगे, क्या समझ लिया हम लोग को, चारों तरफ का गेट बंद कर दिया गया, आगे पिछले गेट से जाएंगे हम लोग, बंद कर दिया जा रहा है तो पीछे से यहाँ पर देख रहे हो, लेकिन जाएंगे जरूर। भाई बात यह है कि जहाँ पास होना, यहाँ नियम ये था हमारे साथ में जो नोटिफिकेशन था उसमें ये नियम था कि भाई जो जितने सीट है उसके अनुसार हम बच्चे को क्वालिफाई करेंगे, उतने ही बच्चे को हम मेरिट में लाएंगे, लेकिन अब सरकार कर क्या दी है कि एक गलत बयानबाजी देने के कारण, जस्ट एक गलत बयानबाजी कर देने के कारण, और उस बात पे अड़ी कर रही कि वो अपने बात को सही साबित कर सके। जी जी, शिक्षा मंत्री के गलत बयान के कारण ये सारा कन्फ्यूजन पैदा हुआ है, और इसके अलावा शिक्षा मंत्री को जहाँ माफ़ी मांगनी चाहिए थी अपनी गलत बयान के लिए, और उसे रेक्टिफाई करना चाहिए था, उसे ठीक करना चाहिए था, उसके बदले उन्होंने क्या किया कि अपने बात को तुगलकी फरमान समझ के उसे कायम करने पे तुली हुई है, जहाँ पे आपको 37,000 सीट थी, ठीक है, और 30,000 बच्चा मेरिट पे आ गए हैं, मतलब इसका मतलब क्या होता है कि जितने सीट है उतने भी बच्चे मेरिट में नहीं है, उसके बाद भी आप 80,000 बच्चा को घुसाएगा, तो जनता जो बच्चे जा रहे हैं सरकारी स्कूल में, ये उसके साथ भी अन्याय है कि आप अनमेरिटेड स्टूडेंट से टीचर से आप कैसे भरवाइएगा, जब सीट के बराबर ही आप टीचर नहीं ला पाए, जब आप सीट के बराबर टीचर नहीं ला पाए तो आप अनमेरिटेड से भरवा लीजिएगा क्या, 37,000 सीट है और मेरिट में आने वाले बच्चे बस 30,000 हैं, तो बाकी जो आप 7,000 जो सीट खाली खाली रह गया, क्यों उसके लिए भी कुछ बच्चे कर रहे हैं प्रदर्शन, नहीं उसके लिए नहीं, आप मेरा कहने का मतलब है कि आप आगे जोड़िए, 8वां फेज 9वां फेज जो लाने वो लाइए, और बार बार शिक्षा मंत्री एक बात कहते हैं कि भाई ये 7वां फेज, सबसे पहला बात कि ये 7वां फेज कुछ है ही नहीं, ये नया नोटिफिकेशन था, और ये नोटिफिकेशन कम्पिटेटिव नेचर का था, जो कि हफलनामा काउंटर एफिडेविट 85-20 केस में बीएससीबी और सरकार ने खुद दाखिल किया था हाईकोर्ट में, अब अपने ही अपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स प्रूफ किया है उससे आप कैसे पीछे हट सकते हैं, मुझे ये समझ में नहीं आता है, और जो 80,000 क्वालिफाई करें वो क्वालिफाई है ही नहीं, अगर आप नोटिफिकेशन को पालन कीजिएगा तो वो क्वालिफाई नहीं है, वो फेल है, वो डिसक्वालीफाई है। चलिए ये मुद्दा यही है। क्या नाम हो भाई साहब जी? मेरा नाम विशाल कुमार सिंह। विशाल जी ने तमाम बातें समझाने का प्रयास किया है, और भी तमाम अभ्यर्थी अभी इस गेट से निकले, हम तमाम झकास भारत पर बने हुए हैं, अभी के लिए मैं इतना ही कहूँगा, धन्यवाद।